दोस्तों नेपाल की टीम जा रही है अफगानिस्तान 3 T20 आईसी मुकाबले खेलने के लिए। काफी टाइम बाद कोई टीम अफगानिस्तान जा रही है किसी भी सीरीज को खेलने के लिए। अगर अफगानिस्तान टीम की बात की जाए तो पिछले 5-6 साल में सबसे ज्यादा जिस टीम ने नाम कमाया है वो है अफगानिस्तान की टीम। इनके खिलाड़ी पूरे जोश और जुनून के साथ खेलते हैं। पैसा इनके लिए उतना मायने नहीं रखता जितना इनके लिए जीत मायने रखती है। पूरे जज्बे के साथ खेलते हैं, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो फील्डिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए या बॉलिंग की बात की जाए। हर लिहाज से अफगानिस्तान की टीम आने वाले टाइम में काफी बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल करेगी। फिलहाल अपने छोटे से करियर में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को मात दी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में कोई न कोई ट्रॉफी अफगानिस्तान टीम अपने नाम कर सकती है। वहीं अगर नेपाल टीम की बात की जाए तो नेपाल टीम T20 आइस मुकाबलों में ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रही है जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस टाइम इंडिया के मुकाबले भी चलते रहते हैं, इसलिए नेपाल की खबरें काफी दब जाती हैं। चाहे वो पहली बार T20 आइस मुकाबलों में 300 से ज्यादा रन बनाने का हो या फिर सबसे तेज T20 में 50 लगाने का रिकॉर्ड हो, काफी भारी भरकम रिकॉर्ड लेके नेपाल टीम भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है T20 आइस में। तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान 2-1 से ये मुकाबला जीतेगी। बहरहाल अगर पूरे शेड्यूल की बात की जाए तो पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा 3 अगस्त 2024 को, ये मुकाबला काबुल में खेला जाएगा। दूसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा 5 अगस्त 2024 को, ये मुकाबला भी काबुल में ही खेला जाएगा। तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला 7 अगस्त 2024 को खेला जाएगा, इस मुकाबले के लिए भी काबुल स्टेडियम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो तीन के तीनों मुकाबले एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे जो कि काबुल में है। तो अगर आपको इन मुकाबलों की टिकट बुक करनी है तो इसके बारे में जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं आपको तुरंत दूंगा, तुरंत जाके अपनी टिकट को बुक कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आप टिकट बुक कर पाएंगे। उसके अलावा इस सीरीज को लेकर कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने ला के देने की जरूर कोशिश करूंगा।